नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं अभी टेक इंडिया चैनल को। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, क्योंकि मैं दोस्तों आज के वीडियो में कुछ अलग ही और नॉलेजफुल वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास जा सके। तो दोस्तों, जो इंजन होता है दोस्तों, तो हमारी कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते इंजन ज़्यादा धुआँ देने लगता है, और दोस्तों एकाएक धुआँ देने लगता है दोस्तों, तो उस समय हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, इसी विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जो पंखी होता है, पंखी का आप यह वायरिंग देख रहे हैं, इस वायरिंग को चेक कर लीजिए कि वायरिंग मन ख़राब नहीं ना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वायरिंग जब ख़राब होता है तो वह शाफ्ट जो है वह अपना जगह बदल देता है दोस्तों, आप देख सकते हैं जगह बदल देता है। तब जैसे मान लिया जाता है कि वायरिंग ख़राब हो चुका है, और दोस्तों और इसको चेक कर लेने के बाद से दोस्तों मानिए यह सही है। तो दोस्तों, उसके बाद हमको सबसे पहले दोस्तों यह जो वाल स्प्रिंग होता है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर मानिए हमारा बन रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों कंप्रेसर बन रहा है फिर भी वाल स्प्रिंग थोड़ा सा एक दो लेयर टूट जाता है दोस्तों, अगर तो हमारा कंप्रेसर बन रहा है होता है फिर भी इंजन जैसे स्टार्ट होने का हो जाता है दोस्तों, लेकिन कंप्रेसर बनता है लेकिन दोस्तों वह कंप्रेसर वीक कंप्रेसर होता है, थोड़ा मानो कम बनता है दोस्तों, और उस समय जैसे हमारा इंजन जो है वह धुआँ देने लगता है। और तो इसको चेक कर लीजिए, अगर यह भी दोस्तों यह ख़राब हो सकता है, हमने कई बार देखा है, हमने बनाया है दोस्तों इंजन बनाते समय हमने कई बार देखा है कि जैसे कंप्रेसर बन रहा है फिर भी वाल स्प्रिंग थोड़ा सा टूट जाने के कारण जो दोस्तों वह धुआँ देने लगता है, तो आप लोग यह चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास जा सके। तो दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार।